hello everyone welcome to maneuver so today we are going to discuss the question from percentage the price of an item was increased by 10% this reduced the monthly total sale by 20% the overall effect on the value of monthly sales is a 10% increase 10% decrease 12% increase or 12% decrease so this was our question so this is the question of price into consumption is equal to expenditure type question मैं दो टाइप से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा सो लेट्स सी कि कैसे एक तो ट्रेडिशनल मेथड जिसमें मैं आपको बेसिक और साथ में प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू तो एक्सपेंडिचर का पूरा फंडा समझाऊंगा और सेकेंड जो मेथड है वो बताऊंगा उसमें कैसा है कि प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का कोई रोल ही नहीं है यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन गाइज प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू तो एक्सपेंडिचर ठीक है अब ये प्राइस क्या है एक आर्टिकल का प्राइस है टेन okay? so रुपीज अगर मैं मंथली की बात करूं तो आपने मंथ में कितना ये आर्टिकल खरीदा तो मैं सपोज करता हूं आपने टेन ये आर्टिकल खरीदा तो ये हो गया क्या नंबर ऑफ आर्टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं क्या कंजम्पशन कि आपने मंथ में इसको कितना खरीदा है सो दैट इज वॉट दिस इज द प्राइस एंड दिस इज वॉट द कंजम्पशन इज और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा टेन रुपीज पर आर्टिकल इन टू टेन सो दिल गिव यू हंड्रेड मंथली स्पेंड किए इस आर्टिकल को लेके सो दैट इज इज योर एक्सपेंडिचर ठीक है सो होप एक्सपेंडिचर का फंडा क्लियर हुआ रहेगा प्राइस का फंडा क्लियर हुआ रहेगा और कंजम्पशन का फंडा क्लियर हुआ रहेगा ठीक है अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन क्या है द प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज इंक्रीज बाई टेन परसेंट तो सबसे पहले हम लोग दो पहले एक इनिशियल ले लेते हैं ठीक है अब इनिशियल क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग का सपोज करेंगे फिर उस पर टेन परसेंट जो भी मतलब इंक्रीज डिक्रीज हुआ है जैसे यहां पे टेन परसेंट इंक्रीज हुआ है यहां पे ट्वेंटी परसेंट डिक्रीज हुआ है तो उसको लेके हम लोग बात करेंगे तो पहले जो इनिशियल है वो क्या है हमने टेन कंसिडर किया अब टेन क्यों कंसिडर किया क्योंकि टेन पे आप टेन इंक्रीज करना या ट्वेंटी डिक्रीज करना इज ईजी यू कैन टेक एनी वैल्यू ठीक है सो मैंने यहाँ पे इनिशियल जो वैल्यू है वो टेन कंसीडर किया है कंजम्पशन भी मैंने टेन कंसीडर किया है तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा टेन इंटू टेन और ये आ जाएगा आपका हंड्रेड ठीक है होप इट इज क्लियर टिल नाउ की जो प्राइस है उसमें टेन परसेंट इंक्रीज आया है तो प्राइस में टेन परसेंट इंक्रीज मतलब ये टेन था टेन का टेन परसेंट वन होता है तो वन परसेंट इंक्रीज मतलब ये हो जाएगा इलेवन लेकिन क्या हो रहा है कि प्राइस में इंक्रीज़ होने की वजह से जो सेल है वो 20% से रिड्यूस हो रहा है अब 10 का 20% से अगर रिड्यूस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 8 मिलेगा सो इट विल वॉट 8। अब ये जो ओवरऑल आएगा वो कितना आ जाएगा 88, है ना ओवरऑल कितना मिल जाएगा आपको 88। मतलब जो चीज 100 था वो बन गया कितना 88 मतलब जो डिक्रीज है वो कितने का है टूवल्व का अब इसको परसेंटेज में फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दोगे सो विल गेट वॉट टूएल्व परसेंट वट डिक्रीज ये डिक्रीज हो रहा है ना दिस इज वट डिक्रीज ऑफ ट्वेल्व परसेंट सो दैट विल बी योर ऑप्शन फोर्थ इज आंसर ठीक है तो यह हो गया आपका ट्रेडिशनल मैथड अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्टकट जिसमें यह प्राइस कंजम्पन एक्सपेंडिचर इसका कोई रोल नहीं है ठीक है जस् कि कैसे आप क्या करो इस वे uh, को हम लोग कह सकते हैं सक्सेसिव चेंज ठीक है अब यह कैसे करना है देखो आप इनिशियल वैल्यू हंड्रेड कंसिडर कर लो ठीक है अभी यहां पे क्या बोला है फर्स्ट इस पे क्या बोला है टेन परसेंट का इंक्रीज बोला है तो आप क्या करोगे टेन परसेंट इंक्रीज कर दोगे तो हंड्रेड पे टेन परसेंट इंक्रीज करोगे तो कितना टेन बढ़ जाएगा ये आ जाएगा वन वन टेन ठीक है अब आपको क्या करना है अब यहां पे आपको रिड्यूस करना है ठीक है इस पे तो वन वन टेन का अगर ट्वेंटी परसेंट रिड्यूस करोगे तो यह बन जाएगा आपका कितना वन वन टेन का ट्वेंटी परसेंट कितना होता है दिस इज वर्ट दिस इज टेन परसेंट वन टेन का इलेवन होता है तो ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा ट्वेंटी टू अब आप वन वन टेन में से ट्वेंटी टू अगर सब ट्रैक कर दोगे तो ये आपको दे देगा कितना 88. एट तो अभी ओवरऑल चेंज कितना आया हंड्रेड से ये एक चीज क्या बन गया आपका 88 एट बन गया मतलब माइनस ट्वेल्व ठीक है मतलब ट्वेल्व का डिक्रीज हुआ मतलब मैं बोल सकता हूँ ट्वेल्व आउट ऑफ किस पे हंड्रेड पे सो दैट विल गिव यू वॉट 12% परसेंट इज इट होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अगर इस चीज से करते हो तो आपको इनिशियल वैल्यू कंसीडर करना है उस पर जैसे यहां पे अगर इंक्रीज दिया है तो इंक्रीज कर दो डिक्रीज दिया है तो डिक्रीज कर दो एंड यू कैन ऑल्सो डू पहले आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप 20% परसेंट का डिक्रीज कर सकते हो उसके बाद आप 10% परसेंट का इंक्रीज कर दो फिर भी आंसर आपको 88 ही मिल मिलने वाला है ओके सो दैट इज योर होमवर्क कि आप एक बार घर पे ट्राई करना कि आपको क्या करना है 100 को 20% परसेंट से डिक्रीज़ करना है और फिर 10% परसेंट से आपको उसको बढ़ाना है सो दैट विल ऑल्सो गिव यू एटी ठीक है तो ओवरऑल जो चेंज होगा उसमें भी कितना आएगा 12 परसेंट का ही आने वाला है मतलब मैं यह बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि सक्सेसिव चेंज में पहले आप 20 परसेंट रिडक कर सकते हो फिर 10 परसेंट इंक्रीज कर सकते हो या फिर जैसे हमने यहां पे किया कि 10 परसेंट इंक्रीज किया फिर ट्वेंटी परसेंट रिडक्ट किया तो आप कैसे भी कर सकते हो ओके सो होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस डिस्कशन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइज बबाइड